इतना सारा रोड पर ट्रैफिक नहीं आ चुका है, लेकिन कौन सा बस है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा बस जाएगा जहाँ जाना है मेरे को। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज हम लाइफ में फर्स्ट टाइम अकेले जा रहे हैं, फ्लाइट से नहीं ट्रेन से, वो भी फर्स्ट टाइम। और थोड़ा मेरे घर वाले मेरे से गुस्सा है, इसलिए आज हम अपने पापा से इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, लेकिन पापा वहाँ पर खड़े हैं, हाँ वो देख रहे होंगे पता नहीं तो। और ये रहा मेरा बैग, ये लेके आज हम अकेले ट्रेन में सफ़र करने का जा रहे हैं गाइस। आई होप ये जर्नी मेरा बहुत मस्त रहेगा। और चलिए आगे आगे होता है क्या देखते रहिए। और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलते हैं अपने सफ़र। फाइनली गाइस हम अपना धनबाद जंक्शन पहुँच चुके हैं। ये है हमारा धनबाद स्टेशन और करवाइए। और अब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि फर्स्ट जर्नी पता नहीं कैसा होगा, आई होप अच्छा होगा। हम तो खुश हैं लेकिन मेरे पापा नाराज है। कोई बात नहीं, हम दिखाएंगे उनको कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम अकेले जा सकते हैं। oh इस बार जाके प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे, हम कभी नहीं बड़े होंगे। हाँ जी, तो बने रहिए हमारे साथ अभी और बाकी है जर्नी। गाइस हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन खुल भी चुका है और मेरे को जैसा विंडो सीट चाहिए था वैसा मिल भी चुका है, तो बहुत हम एक्साइटेड है, अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दिख नहीं रहा है इधर से लेकिन मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है और ज़्यादा ही एक्साइटेड है। तो बस और देखते जाओ कहाँ जा रहे हैं हम, ये तो आप लोगों को अभी तक नहीं पता है, तो जस्ट वेट एंड चुके हैं स्टेशन। कौन सा स्टेशन ये बताएंगे नहीं, बस पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ से हम लोगों को लेना है बस, मतलब हम लोगों को क्या, मेरे को बस लेना है, यहाँ से बस लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से टोटो लेना पड़ेगा, बहुत अभी दूर है। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। हम तो बहुत थक गए इतना बड़ा बैग उठा उठा के। चलिए फाइनल दिखाएंगे किससे मिलने जा रहे हैं, कौन है वो लोग। कंटिन्यू आबादी ऊपर से मैं बच्ची अकेली अबला नारी थक गए। कहाँ से मिलेगा यार बस, कौन सा बस है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा बस जाएगा जहाँ जाना है मेरे को। अरे यार कितना सारा रोड पर ट्रैफिक नहीं, मेरा हालत खराब हो रहा है। चलो बस मिल गया थी, यही बस जाएगा तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। कंटिन्यू रहो, बने रहो। आ चुके हैं आसनसोल, मतलब बरनपुर। और यही है वो स्पेशल इंसान ये लोग के घर हम आए। अरे हाई बोलना भाई, ये मेरा भाई लोलो पोलो, पहले भी मेरे ब्लॉग में देख चुके होंगे। चल आगे चल, कोई इज्जत नहीं है ब्लॉगर को, गजब बेइज्जती है। गाइज अभी चलो, अभी अभी जर्नी बाकी है गाइज, अभी देखो अभी आगे आगे होता है कि अभी यहाँ पे एक स्पेशल डिश खाने वाले हैं यहाँ का फेमस, तो बने रहो हमारे ब्लॉग में, आपको भी देखेगा मिलेगा, बस देख सकते हो खा नहीं सकते हो, लालच आएगा आपको, लेकिन हम मजा लेंगे। बाइक आता है चलाना, ठीक है गाइस कंटिन्यू। ये वो स्पेशल डिश जो हम लोग यहाँ पे आते हैं तो खाते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, आलू कड़ाह, बंगाल का फेमस। यहाँ बंगाल का फेमस नहीं है ना, मतलब यहाँ का फेमस
यहाँ का फेमस आलू कटहर हम जब आते तब खाते गाइस, बहुत टेस्टी रहता है, माय गॉड बहुत ज़्यादा टेस्टी। और ये चटनी ये अभी हम खाएंगे इसको भी। क्या करते हैं इसको ऐसे खोल के इसमें नमक और मिर्ची पाउडर डालते हैं और खट्टा पानी डालते हैं, लेकिन हम खट्टा पानी नहीं लेते हैं, हम ऐसे ही खाते हैं। नमक और मिर्ची पाउडर डाल के बड़ा टेस्टी लगता है, आपको दिखाते हैं। इधर लाओ पहले, इधर लाओ, हम दिखाएंगे। अच्छा मिल गया मेरा भी। ये देखो ये है आलू कटा, कटे समझा रहे खाने। गाइस आई होप आपको अच्छा लगा वो ब्लॉग, मेरा जर्नी पहला जर्नी था जो कि हम अकेले सफ़र में आए हैं, बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार देना ब्लॉग को। और थोड़ा लेट लेट आता है मेरा ब्लॉग, क्या करें मेरे पास और कुछ रहता ही नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देख लिए होंगे। हाँ देखो क्या बोल रहे, समझ ही नहीं आता है। और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करना और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, बाय। ओके okay.